आगे की स्लाइड में देखेंगे। क्लिनिकल सिम्टम्स में सिर्फ पैंटिंग होती है ऐसा नहीं, सचिन जी ने बताया कि उसका माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होता है और बीएमआर भी बढ़ जाती है और उसकी वजह से फिर जानवर डायरिया भी हो सकता है। आप देख सकते हो कि ये जो जर्सी हीपर है उसको डायरिया हो रहा है और समर में फिर इस तरह से डायरिया के साथ साथ उसका ब्लड खून तक आ जाता है। इसको ब्लडी डायरिया या हिमोरेजिक डायरिया भी कहा जाता है। सो समर डायरिया ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पिछले 6-7 सालों से या 8 सालों से पूरे इंडिया में उभर कर आ रही है। और फिर हम देखते हैं कि ये समर डायरिया इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर कभी कभी लगता है एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। बट दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि काफी बार अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स बढ़ गया है तो ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता है, तो ये हीट स्ट्रेस की वजह से होता है। और हीट स्ट्रेस में आने की वजह से जानवर का इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसको फिर डायरिया इन्फेक्शन से भी, सेकेंडरी इन्फेक्शन से भी वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सचिन जी आप डायरिया के बारे में और कुछ यस बताना चाहेंगे? हाँ, और यहाँ पे और क्या होता है सर, डायरिया तो एक सिंपल एसिडोसिस का कारण होता है, लेकिन फील्ड पे हम देखते हैं कि अगर डायरिया शुरू हुआ है तो फार्मर क्या करेगा, मेडिकल में जाएगा, कोई टैबलेट लेके आएगा, बोलस लेके आएगा और खिलाएगा। पहले तो जाएगा 2-4 सल्फा के बोलस डाल देगा। पहले ये एसिडोसिस है, उसके पेट में जो कुछ माइक्रोफ्लोरा है वो सब कुछ डिस्टर्ब है, वो वहाँ पे उसका ठीक से काम नहीं हो रहा है, और उसमें ऊपर से एंटीबायोटिक डाल देंगे तो वो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन कर देता है। तो अगर समर में हीट स्ट्रेस है, जानवर ठीक से चारा खा रहा है लेकिन उसको डायरिया लग रहा है, तो इस कंडीशन में सीधे एंटीबायोटिक के बोलस खिलाने के जगह अगर हम रुमेन बफर देंगे, ईस्ट कल्चर देंगे, कुछ प्रोबायोटिक देंगे, तो जानवर अच्छे से इसमें से रिकवर हो पाता है, और उसी के साथ हमें उसका जो हीट स्ट्रेस है उसको कम करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे हमें उसको अच्छे वेंटिलेटेड जगह पर रखना है। अगर आप ये जर्सी का फोटो देखेंगे हिपर का, तो आप देख सकते हैं ये बहुत हर तरफ से उसको दीवार है, मतलब वो एक कन्फाइंड एरिया में रखा गया है, वहाँ पे वेंटिलेशन बहुत कम है, इसीलिए वो सफर हो रहा है। और दूसरा जो फोटो है वो मेरे खुद के जुरिडक्शन का है। यहाँ पे अच्छे तरह से जानवर रखे गए हैं, शेड भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फीडिंग ज़्यादा होता है, वो जानवर धूप में चरने के लिए जाते हैं और उस वजह से उनमें वो जो सुबह का जल्दी चारा देना चाहिए वो लेट देते हैं, और दोपहर में उनके पेट में ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से ऐसे डायरिया पे जानवर जाते हैं। इसलिए सिंपल अगर समर में डायरिया हो रहा है तो पहले रुमेन बफर, ईस्ट कल्चर और कुछ प्रोबायोटिक ऐसे यूज करके उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और बाद में अगर नहीं रुकेगा तो एंटीबायोटिक पे जाना चाहिए। सर हम बिल्कुल नेक्स्ट सही स्लाइड। बात, बिल्कुल सही बात कही आपने। और सबसे इम्पोर्टेंट, समर डायरिया में ये जरूर डबली श्योर होना चाहिए कि ये डायरिया जो हो रहा है किसी इन्फेक्शियस कॉज की वजह से हो रहा है या प्राइमरी कॉज जो हीट स्ट्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें दोनों चीजों को आपके जो भी वेटनरियन है वो अच्छी तरह से जांच लेंगे, परख लेंगे और उसके हिसाब से वो उसको ट्रीटमेंट करेंगे। एक बात तो पक्की होती है कि जब स्ट्रेस में आता है तो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी उसमें हो जाता है।